राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना के समय में भी कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ की है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोरोना के इस मुश्किल वक्त में भी ओछी राजनीति कर रही है। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने पहले वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया, विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए और अब कह रही है जल्दी वैक्सीन उपलब्ध कराओ। उन्होंने कहा कोरोना के कारण पूरा विश्व परेशान हो रहा है, चाहे वह अमेरिका हो या अन्य बड़े देश। भारत ही नहीं, कोई भी देश कोरोना की ना तो पहली ना ही दूसरी लहर के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी रखनी है। कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, टीकाकरण। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। जिस पार्टी को वो जो अपने आप को कहती है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, विकास और प्रगति में भाग लिया, जब विश्व स्तर की आपत्ति आई है, जिस स्तर की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है, पहले जो वैक्सीन की अफवाहें उठाई कि भारतीय वैक्सीन ठीक नहीं है, मत नहीं लेने का है, रिएक्शन होगा, आज वही पार्टी कह रही है कि जल्द से जल्द ऑर्डर करवाइए। ये चट भी मेरी पट भी मेरी कांग्रेस की कब तक चलती रही? और देश की जनता जब संकट में है तब भी संकट में राजनीति करना, मैं समझता हूं इससे निम्न स्थिति नहीं है। राष्ट्र स्तर पर वर्तमान में आर्थिक मुद्दा विश्व स्तर पर आज आसीन हो चुका है। विश्व का कोई देश भी इस संकट से दूर नहीं है, हर देश जूझ रहा है। भारत में रिकवरी हुई है पर उसके बाद दूसरी लहर आई, उसके बाद भी धीरे धीरे रिकवरी हमारी होगी अवश्य। महंगाई अगर हुई भी तो वो 2-3 महीने के लिए शायद रहेगी, उसके बाद उस पर नियंत्रण भी हम पाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया और ग्वालियर में स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ाने के लिए अस्पताल की मंजूरी जल्द दिलाने की बात कही। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ग्वालियर संभाग को 5 एम्बुलेंस सौंपी गई हैं, जिसके चलते चिकित्सा सुविधाओं में इससे जिले को राहत मिलेगी। ये राजनीतिक भाषण का समय नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य सेवा पे मुझे बात कहनी थी। हम फिर कृतज्ञ आभारी ऋणी होंगे आपके कि आपने ग्वालियर को इतनी बड़ी सौगात दी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और अच्छा सा करेंगे। हम जोरदार इस मंच का माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद साहब और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का तहे दिल से हम सब लोग आभार व्यक्त करेंगे और ये भरोसा देते हैं, ये सेवा का आपको ये भरोसा देता है कि आपकी जो मंशा थी इस कोविड के समय में, हम सब लोग पूरी टीम कंधे से कंधा मिला करके, हो सकता है कि बारात में आने की अनुमान था 1000 की और 10000 हो गई, थोड़ा लोगों को प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ेगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।